पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को विवादित बयान देना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। बीजेपी के मिशन नॉर्थ ईस्ट विजय का सपना साकार करने के लिए मेघालय पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। कांग्रेस नेताओं की नारेबाजी पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि निराशा के गर्त में डूबे लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और देश की जनता बोल रही है मोदी तेरा कमल खिलेगा। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं की मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले नारेबाजी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त पलटवार किया है। मेघालय की राजधानी शिलांग से अपने विरोधियों पर बरसते हुए पीएम मोदी ने हुंकार भरी कि कुछ लोग कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी और हिंदुस्तान की आवाम नारे लग रही है मोदी तेरा कमल खिलेगा। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। पीएम मोदी को मेघालय में यह बयान इसीलिए देना पड़ा क्योंकि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने पहले प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया था और जब दिल्ली एयरपोर्ट पर असम पुलिस ने पवन खेड़ा को रायपुर जाने से रोका था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें दावा किया गया कि कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के साथ विवादित नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं की इस नारेबाजी को बीजेपी के नेता भी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की ऐसे नारेबाजी पर बीजेपी हमलावर है। विपक्षी नेताओं की गाली को भी गहना बना लेने वाले पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी के मिशन नॉर्थ ईस्ट का सपना साकार करने के लिए पीएम मोदी नागालैंड के बाद मेघालय पहुंचे। नागालैंड और मेघालय में उन्होंने चुनावी शंखनाद किया। मेघालय में प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो के साथ मंच पर पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। दीमापुर की रैली में पीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एटीएम बना लिया था। इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट को, जैसे हम पैसों की जरूरत पड़े और एटीएम से पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, यहाँ मेघालय में भी ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों ने काम किया है, उन्होंने पूरे मेघालय को एटीएम बना दिया है, रुपये मार लेते हैं अपने जेब पर देते हैं। मेघालय पहुंचे प्रधानमंत्री ने शिलांग में रोड शो कर समा बांध दिया। मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क किनारे लोगों का तांता लगा रहा। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन करके सबका दिल जीत लिया। शिलांग में विरोधियों पर बरसते हुए पीएम ने शंखनाद किया। नॉर्थ ईस्ट की जनता कमल खिलाकर बीजेपी के सपने को पूरा करने के लिए तैयार है। मेघालय और नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव हो रहा है। साल 2018 के चुनावों में मेघालय में कांग्रेस को 21, एनसीपी को 11, एनपीईपी को 19 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की जनता से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनाने का जब आशीर्वाद मांगा, तब मेघालय की जनता ने मोदी मोदी का ऐसा जयघोष किया जिसकी गूंज मेघालय नागालैंड से दिल्ली तक सुनाई देने लगी। टीम न्यूज़ नेशन।